कई स्टेड नाल कदी ऐवें हुंदा है कि तुसी कोई रेसिपी बनाओ पर वो पहले वाली नालों ज़्यादा टेस्टी ना बने या कई बार टेस्टी बन जाती कई बार नहीं बनती, ये प्रॉब्लम हमेशा सारे नाल रहिंदी है। अच्छा लास्ट मैं अपने चैनल से जो व्हाइट सॉस पास्ता की वीडियो देख रही थी तो मैंने पता लगे कि उन्हें कमियाँ है। एक्चुअल गाइज मैं अज थोड़ा इंप्रूव करके मोर क्रीमी कैफे स्टाइल पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिंद कुछ हैक्स ने। सब तो पहले तो वैजिस सोटे कर रही हूँ, उन्हें गार्लिक जरूर पाना है, ये बिल्कुल स्किप ना करना। सैकेंड ये है कि तुसी जदों अपना मैदे नू भुनोगे ना विस्कर की हैल्प नाल तुसी उन्हें स्टर करो जदों उनकी सोस प्रिपेयर करो, ये की होएगा 360 डिग्री रोटेशन नाल तड़े बिल्कुल लम्स नहीं बनन वाले। उस तो बाद गाइज़ तुसी इन्दे च ऐड करनी है अपनी सोटी वैजिस। वाइट सॉस पास्ता नू चैक करना है ना सॉस किवें प्रिपेयर हुई है, अच्छी हुई है नहीं हुई, बस उन्दे च कड़छी घुमाओ, जदों कड़छी नू कोट हो रहा दैट मीनस पास्ता नू भी कोट हो जाएगा तुहाडा सॉस। उस तो बाद इनू होर क्रीमी करन लई गाइज़ मैं इन्दे च फ्रैश मलाई भी ऐड करती है। कुछ हर्ब्स बहुत ही कॉमन इन्दे च जिहड़े मसाले पैंदे, सिर्फ नमक ते काली मिर्च नाल ही इन्ना टेस्टी लगता। उस तो एक्सट्रा गाइज ओरिगैनो ते चिली फ्लेक्स परफेक्ट कर देंदे, इन्दे वधिया बैलेंस कर देंदे फ्लेवरस नू। तो गाइज हुण तुसी देख सकते हो कि इनकी वैजिज़ भी इन्नी अच्छी कोट हो चुकी हैं, पता लग रहा वाइट सॉस पास्ता तुसी कैफे च अगर जदों भी खादा होएगा तो बिल्कुल आई लुक आती है, टेस्ट भी ब्रिलियंट सी। इनू डेफिनेटली ट्राई जरूर जरूर करना, तो वीडियो नू कर दिओ लाइक, चैनल नू सबसक्राइब।